महिलाओं की अगर बात की जाए तो वह हर क्षेत्र में आगे रहती हैं, चाहे वह घर हो या फिर ऑफिस से संबंधित कोई भी काम हो तो उसे वह बखूबी निभाती हैं। दरअसल अल्मोड़ा की महिलाएं काम करने के साथ साथ शहर में हो रहे कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करने के लिए सबसे आगे रहती है। पर कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो अपने घर की चार दीवारी के कामों में उलझी रहती हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो घरों के काम में लगी रहती हैं। अल्मोड़ा में अब ऐसी कई महिलाएं भी हैं जो अपने घर के साथ साथ शहर में हो रहे कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के लिए आगे आ रही हैं। जन्माष्टमी के कार्यक्रम को लेकर अल्मोड़ा की महिलाएं इन दिनों तैयारियों में लगी हैं। लोकल 18 ने कुछ महिलाओं से बातचीत की। हमने इन महिलाओं के घर जाकर इनकी दिनचर्या और कार्यक्रम में रिहर्सल में जा रही इन महिलाओं से बात जानी। टुंगाधारा निवासी हीरा जोशी ने बताया वह सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और उसके बाद से लेकर दिन भर का सारा काम करने के साथ वह बच्चों के साथ लग जाती हैं। इसके अलावा वह सिलाई का भी काम करती हैं। शाम के वक्त वह प्रैक्टिस के लिए चले जाती हैं। दूसरी महिला राधा राजपूत ने बताया वह सुबह जल्दी उठ जाती है। घर के सारे काम निपटाने के बाद वह बच्चों और पति के लिए खाना बनाती हैं। शाम के वक्त वह नंदा देवी परिसर की ओर चले जाती हैं। नंदा देवी में प्रैक्टिस के लिए वह समय से पहले पहुंच जाती हैं और करीब 1.5 महीने से वह लगातार यहां पर आ रही हैं। आगे क्या कुछ महिलाओं ने कहा हम आपको वो सुनाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक महिलाएं, आपको पता ही है कि महिलाएं घर में कितनी बिजी होती हैं, उनको टाइम निकालना मुश्किल होता है। कैसे वो किस तरीके से घर को मैनेज करती हैं, उनकी भी बहुत सी इच्छाएं होती हैं और ये प्रोग्राम कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उनको थोड़ा अपना जो उनमें हुनर होता है, जो उनमें जो कला होती है वो दिखाने का उनको मौका मिलता है। और ये जन्माष्टमी और अभी ये जो जन्माष्टमी आने वाला है उसमें हम महिलाओं को यही मौका दिया जा रहा है कि जो जितना अपनी कला को दिखा सकता है, क्योंकि वो घर के कामों से उनको फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी वो अभी यहाँ पर सब महिलाएं पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं। जो जिनसे जितना बनता कर रही हैं, खूब मेहनत कर रही हैं। 1.5 महीने से यहाँ काफ़ी प्रैक्टिस हो रही है जो डांडिया और गरबा का, तो यही मतलब महिलाओं को बहुत अच्छा, यहाँ एक दूसरे से मिल के भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीख रही हैं वो। घर में 5 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद बच्चों के लिए खाना पीना बनाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, उसके बाद घर का पूरा काम करके उसके बाद सिलाई का कटिंग वटिंग करके मतलब 1-2 घंटे में, मतलब 1 घंटे में मुझे मतलब इधर सूट सिलने हैं, उसके बाद मुझे तुर्पण करना है, उसके बाद तैयार करना है, उसके बाद 3 बजे बच्चे को लेने जाती हूँ और उसके बाद फिर यहाँ आती हूँ प्रैक्टिस करने। ये बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे मिल के बहुत अच्छा लगता है, हमको मंच मिल रहा है, मतलब अब ऐसा लगता है कि अपने लिए जी रहे हैं, ऐसा लगता है, बहुत खुशी मिलती है मुझे यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगता है। मुझे गीता दी ने कहा कि आप जाइए, दिन भर आप सिलाई करती हो, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। मुझे सबसे मिलना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। देखिए, घरेलू महिलाएं अपने घर के काम को व्यवस्थित करते हुए ही यहाँ पर अभ्यास के लिए आ रही हैं और कहीं ना कहीं हमारी संस्था का ये प्रयास रहता है कि उन घरेलू महिलाओं को हम एक मंच दें और इस मंच के माध्यम से भी वो भी अपनी पहचान बना सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर अभी 1.5 महीने से हमारी इन महिलाओं की रिहर्सल चल रही है। तो कहीं ना कहीं पर हर इस शहर के कोने कोने से एक, अगर एक खतियाड़ी से अगर एक महिला आ रही है तो एक धुंगाधारा से आ रही है, एक पांडेगोला से आ रही है, इस तरीके से ये लोग आपस में, और इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पर बन चुकी है, आपस में इन लोगों का बहुत अच्छा व्यवहार और एक दूसरे से पहचान, एक दूसरे के घर जाना, कहीं ना कहीं आपस में इनके रिलेशन भी अच्छे हो रहे हैं और इन्हें मंच मिल रहा है। तो और कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस से दूर, क्योंकि घर के कामकाज में ये लोग इतना थक जाती हैं, तो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस, मन करता है महिलाओं का भी कि हम कहीं पर एक माहौल मिले जहाँ पर हंसें और नृत्य करें, अपने स्ट्रेस को भगाएं, तो इसलिए हम लोग का एक प्रयास है। अल्मोड़ा में मां नंदा महिला सर्वदलीय समिति की ओर से महिलाओं को यहां पे कार्यक्रम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और काफ़ी महिलाएं यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और साथ ही महिलाएं घर के काम के साथ साथ इन कार्यक्रमों में अपनी तैयारी करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।